नमस्ते दोस्तों, AMG की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शंकरलाल जाट, AMG कोचिंग क्लासेस से। अपन पढ़ रहे थे नदिया या राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र की बात कर रहे थे अपन। इसमें राजस्थान के अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन में। देखो, पहला अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। उसके बाद में दूसरा देखें बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। तीसरा देखें आंतरिक अफवाह तंत्र। तीन भागों में बांटा गया राजस्थान के अफवाह तंत्र को, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। इनमें से कल अपन ने अरब सागरीय अफवाह तंत्र को पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे अपन बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आज कौन सा पढ़ेंगे अपन? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। देखो, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का मतलब हुआ बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी की और तरफ जल ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली नदियाँ, या नदियाँ कह दो, ये नदियाँ, ठीक है। तो इनमें अगर राजस्थान का मैप देखें अपन लोग, देखो भाई, राजस्थान का मैप ऐसे मान लेते हैं, ये राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप में ये इधर जो पश्चिमी वाला भाग है, यहाँ पर अरब सागर है, और इधर वाला भाग है जहाँ बंगाल की खाड़ी है, जो इधर जल लेके आई वो अरब सागर नदी कहलाएगी, अरब सागरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। जो इधर जल लेके जाएगी पूर्वी भाग में, वो सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी कहलाएगी, या बंगाल के तरफ जल ले जाने वाली नदियाँ कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन अफवाह तंत्र की बात कर रहे थे। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली नदियों में पहली सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल। देखो भैया, पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाती है। पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल। अगर चंबल की अगर अपन लंबाई की बात करें, तो 966 या 965 किलोमीटर के लगभग बहती है। कुल लंबाई उद्गम से लेकर मुहाना तक की कुल लंबाई अगर चंबल की देखें तो 966 होगी या 965 होगी। लेकिन आज कभी भी लंबाई को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि सैटेलाइटों के द्वारा ली गई लंबाइयाँ होती है। अगला इसका उपनाम की बात करें, अगर उपनाम देखें इसका, तो इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। उसके बाद में इसको चरमण्य बती भी कहा जाता है, ठीक है। कामधेनु क्यों कहते हैं? क्योंकि कामधेनु ये गाय है जो हमेशा दूध देती है। इसी प्रकार राजस्थान में ये चंबल नदी है, हमेशा इसमें जल रहता है, इस वजह से इसको कामधेनु कहा जाता है। उसके बाद में इसका उद्गम की अगर बात करें, तो जाना पाव की पहाड़ियाँ
जाना पाप की पाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला से, विंध्याचल पर्वतमाला से। मैंने अक्सर पहले भी बताया था कि विंध्याचल पर्वतमाला एमपी में पड़ती है, कुछ हिस्सा अपने राजस्थान में भी आता है, तो जितने भी नदियाँ हैं वो सारी किसी न किसी पर्वतमाला से निकलेगी और हमेशा निकलती है। कोई एक दो आबाद हो जाएं, वो सारी कोई मैदानों से निकल जाएं, नहीं तो सारी लगभग, सारी नहीं कह सकते, लगभग अधिकांश नदियाँ आरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला हो, सतपुड़ा हो, प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो या हिमालय पर्वतमाला हो, ये सारी नदियाँ किसी न किसी पर्वतमाला से निकलती है। उसके बाद में देखते हैं उद्गम हो गया जाना पाप की बाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश, एमपी से होता है इसका उद्गम होता है, ठीक है। चंबल की लंबाई 966 या 965, उपनाम राजस्थान की कामधेनु या चरणवती भी कहा जाता है। इसका उद्गम जाना पाप की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। अगर इसके बात करें प्रभा की, अगर इसके प्रभा की अपन बात करें, प्रभा, प्रभा का मतलब होता है ये कौन कौन से ज़िलों में जाती है, ये लगभग 6 ज़िलों में जाती है। डायरेक्ट ध्यान रखना कितने ज़िलों में जाती है, इसका प्रभा कितने ज़िलों में, लगभग 6 ज़िलों में है। अगर इसको देखें तो पहले आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में तो ये प्रवेश करती है, पहला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में दूसरे की अगर अपन बात करें तो कोटा, कोटा। तीसरे की अगर अपन बात करें तो बूंदी। अगर चौथे कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए उसके बाद में ये चली जाती है भैया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में धौलपुर, छठे नंबर पे कौन सा आएगा, धौलपुर। इस प्रकार से ये 2, 3, 4, 5 और 6 ज़िलों में ये प्रभावित होती है। अगर इसके बात की करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 135 किलोमीटर बहती है। अगर राजस्थान राजस्थान में ही देखें तो इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, और राजस्थान प्लस एमपी की सीमा पर देखें तो लगभग 241 किलोमीटर बहती है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री या सीमा बनाती है। तो राजस्थान की इसकी लंबाई की बात के 966 या 965, 135 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, अकेले राजस्थान में, और राजस्थान प्लस एमपी दोनों की सीमा पे लगभग ये 241 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद में मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अवनालिका अपरदन। और देखो इसमें अवनालिका अपरदन, एक होता भैया अवनालिका अपरदन, अपरदन का मतलब वही होता है कुतरना। अवनालिका अपरदन को उत्खात भूमि भी कहा जाता है, उत्खात भूमि या बेड लैंड टोपोग्राफी, बेड लैंड टोपोग्राफी, बेड लैंड टोपोग्राफी ये भी कहा जाता है, या इसको बीहड़ भी कहा जाता है। बात एक ही है, अवनालिका अपरदन के दो, उत्खात स्थलाकृति या उत्खात भूमि के दो, बेडलैंड टोपोग्राफी के दो या बीहड़ के दो। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल बनाती है, सर्वाधिक बीहड़ चंबल बनाती है या उत्खात स्थलाकृति चंबल बनाती है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पहले रीट में पूछा गया है, उत्खात भूमि या उत्खात स्थलाकृति, ऊंची नीची भूमि क्या कहलाती है, उत्खात स्थलाकृति कहलाती है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिनको कभी आप बहुत ज़्यादा समझते तो नहीं। अवनालिका अपरदन के तो अपरदन का मतलब कुतरना, इसे काट काट के नदी ने, ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी कि नदी जब युवा अवस्था में होती है गार्ज केनियन का निर्माण करती है, जब प्रौढ़ अवस्था में होती है तो गोकुर झील का निर्माण करती है, और जब वृद्ध अवस्था में होती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। उससे ही संबंधित चीज़ें हैं ये सारी, उससे ही संबंधित चीज़ें हैं। देखो भैया और देखते हैं, सर्वाधिक सतही जल, सर्वाधिक सतही जल चंबल में मिलेगा, सर्वाधिक
सतही जल। सतही जल का मतलब होता है अपन को जो वाटर मिलेगा, जो ग्राउंड वाटर नहीं मिलके ऊपर ही मिल जाएगा, कम गहराई में मिल जाएगा। तो सर्वाधिक सतही जल किस में मिलेगा भैया? अपन को मिलेगा चंबल में। सर्वाधिक सतही जल किस में मिलेगा अपन को? चंबल रिवर में मिलेगा, चंबल नदी में मिलेगा। ध्यान रखना भैया, चंबल की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। हर बार एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो भाई मैप में देखते हैं। देखो भैया ये राजस्थान का मैप मान लेते हैं, ये राजस्थान का मैप रहा। इसमें अगर अपन देखते हैं जैसे इसकी दिशा रहेगी वैसे ही अपन इसका प्रवाही क्षेत्र करेंगे। मान लेते हैं चंबल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर कौन सी नदी आ गई उसको भी बना लेते हैं। इधर कौन सी नदी आ गई? ये लो, ये चंबल, ये हो गई यमुना और ये हो गई चंबल। ये कौन सी नदी हो गई? यमुना के बाद में ये कौन सी हो गई? चंबल। ये उत्तर प्रदेश राज्य है, मुरादगंज इटावा, मुरादगंज इटा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद में इसका उद्गम की अगर बात करेंगे अपन तो इसका उद्गम होता है जाना पाप की पहाड़ियाँ, जो मध्य प्रदेश में है और विंध्याचल पर्वतमाला में आती है। ये पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला में इसका उद्गम, यहाँ से निकलने के बाद में ये राजस्थान में चौरासीगढ़ कहाँ पड़ता है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और राजस्थान में क्या करती है? इस जगह पर प्रवेश करती है, अर्थात राजस्थान में एंट्री मारती है। जैसे इधर जाने के बाद में ऐसे होती हुई चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कौन सी जगह प्रवेश करती है चंबल? चौरासीगढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 100 किलोमीटर के दायरे पर लगभग 4 बांध का निर्माण किया गया। कितने बांधों का निर्माण किया? लगभग 4 बांधों का निर्माण किया। अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध एक बांध है यहाँ पर जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में स्थित है या एमपी में स्थित है। इसके बाद में दूसरा अगर राजस्थान में देखें तो एक बांध यहाँ पर है जिसको कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध दो बांध हो गए। इसके बाद में तीसरा देखें जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में एक बांध ये लो, ये बांध कोटा बैराज जो कहाँ है? कोटा में है, केवल सिंचाई की जाती है। ध्यान रखना, विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला बांध गांधी सागर बांध क्रम यही रहेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम यही है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? वो चंबल रहेगी। दक्षिण दिशा ये हो गई, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, बाद में इधर जा रही है लेकिन उत्तर की ओर है,
उत्तर तो दक्षिण से उत्तर की ओर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवार सागर बांध और कोटा बैराज, क्रम ये ही रहेगा, क्रम फिक्स है। कभी कभी वो पूछ लेता है निम्न में से क्रमों का उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम जमाओ, तो क्रम जमाने का मतलब यही है। पहला कौन सा है, गांधी सागर बांध, पहला कौन सा है गांधी सागर। उसके बाद में अगर दूसरे की बात करें तो राणा प्रताप सागर। अगर तीसरे की बात करें जवाहर सागर। और चौथे की अगर बात करें तो कोटा बैराज। ये दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, ध्यान रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम यही रहेगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियों की चर्चा कर लेती अपन। ये बांधों की बात हो गई, ये बांध चार बांध, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें चार बांध बनाए गए हैं और राजस्थान के 84 गढ़ में ये प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये चार बांधों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। देखो भाई, और देखते हैं इसमें, आप देखते हैं इसमें सहायक नदियों की अगर अपन बात करें तो सहायक नदियों को आप चेक करते हैं इसमें देखते हैं सहायक नदियाँ। हर पॉइंट को बड़े बारीकी से पढ़ें तई सफलता मानी जाएगी, नहीं कोई सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, कंपटीशन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सहायक नदियाँ, सहायक का मतलब क्या होता है, जो मेन नदी में, जो एक मुख्य नदी में कई सारी नदियाँ आकर मिलती है उसको कहते हैं सहायक नदियाँ, या उसकी सहायता करना, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो सहायक नदियों की अगर अपन बात करें तो एक नदी आती है यहाँ से, इस नदी का नाम है बावनी या ब्राह्मणी। यह नदी आती है हरिपुरा की पहाड़ियों से। कहाँ से आती है यह नदी, आती है हरिपुरा की पहाड़ियों से। और हरिपुरा की पहाड़ी अगर पूछ ले तो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। बावनी नदी, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है भैंस रोड गढ़ में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। और भैंस रोड गढ़ के पास राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, कौन सी नदी बनाती है चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, भैंस रोड गढ़ के पास में बामनी नदी के मिलने से ये जलप्रपात का निर्माण होता है। जब बामनी नदी यहाँ आकर मिलती है चंबल नदी में, तो इसके पास में एक वाटरफॉल बना हुआ है जिसको जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात जब दोनों नदियाँ मिलती है तो एक ऊंची धारा के रूप में जब वाटर गिरता है उसको वाटरफॉल या जलप्रपात कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात कौन बनाती है, चंबल बनाती है भैंस रोड गढ़ में। ध्यान रखना, चंबल नदी 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और भैंस रोड गढ़ के पास में चित्तौड़गढ़ में दोनों जगह पड़ती है। वहाँ पर बामनी नदी के आकर मिलने से ये चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है। और चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात है, जो शरावती नदी कर्नाटक में एक छोटी सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर अपन बात करें तो एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखो भैया, ये बात हो गई बामनी हरिपुरा की पहाड़ियों से आ रही है, भैंस रोडगढ़ के पास में चंबल में मिलने से चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है और चूलिया जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। देखो भैया, अगली बात करें तो इसमें एक नदी आती है जिसका नाम है काली सिंध। ये नदी कौन सी है? काली सिंध है, एमपी से आती है और इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी है, एमपी से आती है और उसके बाद में काली सिंध नदी की एक और सहायक नदी है हाहू। काली सिंध नदी की एक और सहायक नदी है एमपी से आती है जिसका नाम है आहू। ध्यान रखना, काली सिंध की सहायक नदी आहू है जो गागरोण दुर्खा है झालावाड़ में है और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आहू प्लस काली सिंध के संगम पर गागरोण का दुर्ग स्थित है जो एक जल दुर्ग का उदाहरण है। जो कैसे दुर्ग का उदाहरण है? ध्यान रखना, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोण का दुर्ग स्थित है जो झालावाड़ में स्थित है। दोनों नदियों के मिलने से गागरोण दुर्ग के पास में मिलती है, इससे काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोण का दुर्ग स्थित है। इसके बाद में अगर देखें, एक नदी और आती है जिसका नाम है परवन। एक नदी और आती है जिसका नाम क्या है परवन। ये भी मध्य प्रदेश से आती है। इस परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ का किला स्थित है जो बारा राज्य में स्थित है। कौन से जिले में? बारा जिले में स्थित है। शेरगढ़ का अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश से परवन आ गई, काली सिंध आ गई, आहू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये सहायक नदियाँ हैं। एक और नदी आती है इधर से, उस नदी का नाम है आलनिया नदी। यह नदी, इसका अगर उद्गम की बात करें तो मुकंदवाड़ा की पहाड़ियों से आती है और चंबल में मिल जाती है। आलनिया एक मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा जिले में स्थित है, यहाँ से आती है आलनिया और ये कोटा जिले में ही किस में प्रवेश कर जाती है? तो ये चंबल नदी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में एक और बात करें, एक नदी और आती है इसमें जिसका नाम है चाकण नदी। चाकण नदी बूंदी के छोटे छोटे नालों से मिलकर बनी होती है। इस नदी को चाकण नदी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये हो गई बात किसकी? चंबल की सहायक नदियों की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में इन सभी सहायक नदियों में
एक महत्वपूर्ण सहायक नदी और है। देखो भैया, इनमें से एक सहायक या महत्वपूर्ण नदी और है, उस नदी का नाम है बनास। उस नदी का नाम है बनास। देखो भैया, उस नदी का नाम है बनास। ये नदी आ गई, ये सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है रामेश्वर नामक स्थान पर। देखो भैया, ये बनास है, बनास को अलग पड़ेगी, ये बनास है। खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती कहाँ है? राजसमंद में पड़ती है, राजसमंद में पड़ती है खमनोर की पहाड़ियाँ। और यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास का। और बनास नदी रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। और इधर से आती है सीप, तो बनास, चंबल और सीप मिलकर रामेश्वर खंडार नामक स्थान सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जहाँ पर तीन नदियों का मिलन क्षेत्र होता है, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। बनास नदी की अगर बात करें, अगर बनास नदी को अपन देखें, देखो भाई, अगर अपन बनास नदी को देखें तो बनास नदी का या बनास नदी की लंबाई की अगर अपन बात करें तो बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है, जो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, चंबल नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती। कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में है, कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में है और कुछ भाग इसका राजस्थान में है। तो चंबल नदी लगभग तीन राज्यों को में प्रवाहित होती है, जबकि बनास नदी पूर्णतः संपूर्ण राजस्थान में ही बहती है और राजस्थान में ही इसका जल लगभग रहता है। तो चंबल बनास नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 480 किलोमीटर है, पूर्णतः राजस्थान में बहती है। उसके बाद में अगर इसकी उपनाम की देखें, उपनाम की अगर बात करें तो ये भैया बन की आशा कहलाती है। बन की आशा कहलाती है, क्या कहलाती है? बन की आशा कहलाती है। अगर इसके उद्गम की अगर अपन बात करें तो उद्गम में खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद ज़िले में स्थित है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद ज़िले में स्थित है। अगर इसके परवा क्षेत्र की अपन बात करें तो परवा ये भैया राजसमंद ज़िले में बहती है। इसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ में बहती है। इसके बाद में ये भीलवाड़ा में बहती है। उसके बाद में ये अजमेर में बहती है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में बह गई, राजसमंद में, अजमेर में। उसके बाद में टोंक में, सवाई माधोपुर में और धौलपुर में। लगभग 2, 4, 6 टोटल कितने ज़िलों में बह गई? उसके बाद में ये लगभग बूंदी ज़िले में भी बहती है। इसके बाद ये इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़िलों में ये प्रवाहित होती है और सवाई माधोपुर में बनास नदी में जाकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि राजस्थान के बनास नदी 6 ज़िलों में प्रवाहित होती है। देखो भैया, ये बात हो गई, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है,
उपनाम बन की आशा, उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक बूंदी आदि जिलों में ये प्रभावित होती है, इसका प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद में बनास नदी को अगर अपन देखें तो बनास नदी की बात या सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। बनास नदी को अपन देखें तो बनास नदी इस प्रकार बहती है, इस प्रकार बहती है बनास नदी, ये इस प्रकार बह गई। इसके बाद में यहाँ पर बहती है चंबल नदी, यहाँ पर कौन सी नदी आ गई, चंबल। ये हो गया रामेश्वर, रामेश्वर घाट, खंडार सवाई माधोपुर, खंडार सवाई माधोपुर, ये हो गई भैया चंबल, चंबल नदी में प्रवेश करती है ये। इसके बाद में इसकी बात करें तो ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक नदी यहाँ पर आती है, उस नदी का नाम है बेड़च। यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है बेड़च। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से आती है, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से आती है, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से आती है और बनास में मिल जाती है। इसके बाद में बनास इसमें एक नदी और आती है, इस नदी का नाम है गंभीरी, इस नदी का नाम है गंभीरी, यह मध्य प्रदेश से आती है और चित्तौड़गढ़ के यहाँ पर बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ का दुर्ग स्थित है, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है। एक नदी आई बेड़च, इसके बाद में बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में दोनों मिल जाती है और बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। उसके बाद में इधर से एक और नदी आई जिसका नाम है कोठारी, इधर से एक और नदी आई जिसका नाम है कोठारी, जिसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी भीलवाड़ा से आती है और यहाँ पर इस कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया, मेजा बांध का निर्माण किया गया। मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को पेयजल आपूर्ति होती है, तो कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, ये मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। इसके बाद में एक और नदी आती है यहाँ पर मैनाल, यहाँ पर आती है मैनाल, यहाँ पर एक नदी आती है जिस नदी का नाम है मैनाल, जिस नदी का नाम है मैनाल, जिस नदी का नाम है मैनाल, यह भी भीलवाड़ा से ही आती है। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है बिंगोद, एक स्थान है यहाँ पर जिसका नाम है बिंगोद। बिंगोद भीलवाड़ा में पड़ता है, मांडलगढ़ तहसील में, भीलवाड़ा के यहाँ पर त्रिवेणी बिंगोद में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इनमें तीन नदियों, एक हो गई बनास, एक हो गई दूसरी बेड़च और तीसरी हो गई मैनाल, तीसरी हो गई मैनाल। ये तीन नदियाँ
बिंगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। दूसरा तीसरा त्रिवेणी संगम ये हो गया। इसके बाद में थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ से एक नदी और आती है जिसका नाम है खारी। यहाँ से एक नदी और आती है जिसका नाम है खारी, वो भी राजसमंद से ही आती है। इसके बाद में एक नदी और आती है यहाँ पर जिसका नाम है डाई, ये अजमेर से आती है, इसका नाम है डाई। यहाँ पर तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है जिसका राजमहल नामक स्थान पर राजमहल पड़ता है टोंक में, और टोंक के पास एक गांव है जिसका नाम है देवली। देवली तहसील के पास एक राजमहल नामक गांव है। इस गांव में आकर बनास, खारी और डाई त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इस प्रकार ये चौथा त्रिवेणी संगम हो गया, बनास, डाई और खारी। इस प्रकार बनास नदी पर दो त्रिवेणी संगम का निर्माण हो गया। इससे जैसे ही आगे चलने पर यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है बिसलपुर बांध। यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है बिसलपुर बांध, और बिसलपुर बांध भारत की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिससे बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और लाघवाल भीलवाड़ा जैसे ज़िलों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम बिसलपुर बांध है। ध्यान रखना, जब नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से चलती है, इधर से एक नदी आती है कोठारी। कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया, और मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को पेयजल आपूर्ति होती है। इसके बाद में गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है बेड़च, और बेड़च नदी उदय सागर झील के बाद में से पहले इसका नाम आयड़, और उदय सागर झील के बाद में इसका नाम हो जाता है आयड़। ठीक है, तो यहाँ पर आयड़ की सभ्यता उदयपुर में विकसित हुई गई। बेड़च नदी, उसके बाद में बेड़च के साथ में गंभीरी नदी। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश से आती है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास बेड़च और गंभीरी नदियाँ दोनों मिलने से चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है। उसके बाद में एक नदी आती है मेनाल, और मेनाल नदी बिंगोद नामक स्थान पर जो मांडलगढ़ तहसील के भीलवाड़ा ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर ये तीनों नदियाँ बनास, बेड़च और मेनाल एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद में राजसमंद से आती है खारी। खारी नदियाँ इसमें प्रवाहित होने के बाद में एक आती है डाई, और ये तीनों नदियाँ राजमहल की पहाड़ी जो टोंक ज़िले में स्थित है, वहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके बाद में खंडार के रामेश्वर में आकर बनास, सम्मल और सीप, यह भी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये लगभग चार त्रिवेणी संगम हो गए। यहाँ पर नदी आ गई चंबल, और इधर से आ गई यहाँ पर सीप। ये कौन सी नदी आ गई? सीप। इस प्रकार से ये यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये बनास नदी हो गई। इसके त्रिवेणी संगम की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें त्रिवेणी संगम को अगर देखें तो लगभग चार त्रिवेणी संगम हो जाते हैं अपने पास में। देखो भाई, त्रिवेणी संगम की अगर अपन बात करें, त्रिवेणी संगम की अगर अपन बात करेंगे तो देखो भाई, त्रिवेणी संगम
पहला त्रिवेणी संगम बेणेश्वर में बना है, बेणेश्वर कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है बना, सॉरी बेणेश्वर में सोम, जाखम और माही नदी पर बना है, सोम जाखम और माही नदी पर बना है। उसके बाद में दूसरे की बात करते हैं तो ये बना है खंडार, सवाई माधोपुर में बनास चंबल, बनास चंबल और सीप के साथ में। तीसरे की अगर बात करें तो राजमहल एक गांव का नाम है जो टोंक ज़िले में है, ये बना बनास डाई और खारी। इसके बाद में चौथे की अगर बात करें तो बिंगोद में बना है, बिंगोद भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पर बनास बेड़च और मेनाल। ये चार महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है जो एक बार पटवारी में पूछ लिया, चार ऑप्शन बन गए। इस कारण से पटवारी में चारों को देकर मिलान करो तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखते हैं, अगला देखें तो एक नदी का नाम है बाणगंगा, एक नदी का नाम है बाणगंगा, बाणगंगा नदी का नाम क्या है, बाणगंगा। इसका अगर उद्गम की बात करें तो उद्गम इसका होता है बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ है, यह जयपुर ज़िले में स्थित है। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ है, जयपुर ज़िले में स्थित है। अगर बाणगंगा की अगर उपनाम की बात करें, बाणगंगा के उपनाम की बात करें तो इसे अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी भी कहा जाता है। रुंडित नदी किसे कहते हैं, जो ऐसी नदी जो अपना जल डायरेक्ट किसी अन्य नदी में डाल दे तो उसको कहते हैं रुंडित नदी। यह राजस्थान की दूसरी नदी रुंडित मानी जाती है। एक नदी लगभग चंबल है, जो चंबल नदी पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहने के कारण उसको रुंडित नहीं कहा गया। रुंडित नदी उसको कहते हैं जो अपना जल किसी अन्य नदी में डाल दे, तो ये बाणगंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो रुंडित नदी है, जो 2018 के सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रुंडित नदी कौन सी है, तो रुंडित नदी बाणगंगा है। बाणगंगा का अगर प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो प्रवाह क्षेत्र इसका लगभग जयपुर में है और दौसा में है और भरतपुर में है। जब इसमें ज़्यादा वर्षा नहीं होती तो भरतपुर की सीमा पर लगभग यह लुप्त हो जाती है। इस कारण से इस नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी भी माना जाता है। उसके बाद में एक और देखो, इसके बाद में एक नदी और है जिस नदी का नाम है गंभीर, उस नदी का नाम है गंभीर, नदी का नाम क्या है, गंभीर। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है नादोती, नादोती गांव की पहाड़ियाँ, नादोती गांव की पहाड़ियाँ, ये करौली में पड़ती है, करौली में पड़ती है नादोती गांव की पहाड़ियाँ, करौली में पड़ती है। और इसके पास में इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो सहायक नदी हो गई सेसा, पांचना, पांचना, पांचना नदी, पांचना बांध करौली ज़िले में स्थित है, पांचना बांध करौली ज़िले में स्थित है। विश्व का एकमात्र बांध है जो मिट्टी का बंधा बांध है। किसका बना है, इसका निर्माण किसका है, मिट्टी का।
इसमें पांच नदियों का संगम है। एक तो हो गई अटा, एक हो गई माची, एक हो गई भद्रावती, एक हो गई भैसावट और एक हो गई बेरखेड़ा। ये पांच नदियों का संगम है और अटा, माची, भद्रावती, भैसावट और बरखेड़ा, इन पांचना बांध का निर्माण इन पांच नदियों के छोटे छोटे नालों से हुआ है, जो पांचना बांध का निर्माण या पांचना बांध कराया कहलाया। यह करौली जिले में स्थित एकमात्र विश्व का बांध है जो मिट्टी का बना बांध है, लेकिन वर्तमान समय में इसका निर्माण पक्का किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ओके, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी का आबा तंत्र समाप्त होता है। इसके बाद में कल अपन आंतरिक प्रवाह की नदियों का विशेष विवरण करेंगे।